गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 4 आदर्श शिक्षा निकेतन हाई स्कूल। आज बच्चों मैं आपको एक्सरसाइज 9C कराने जा रही हूँ। पहले 9B की भी रिवीजन करा देती हूँ। इसमें सिर्फ क्या करना है कि ये जो लाइन सेगमेंट है उसको डिवाइडर होता है ना आपका, डिवाइडर देखो ऐसा होता है डिवाइडर, उसकी हेल्प से एक कोना इधर रखना और एक कोना इधर रखना, और फिर इसको स्केल की हेल्प से नाप के, केवल नाप के लिखना है हमें, ठीक है। अब उसके बाद जो अगली एक्सरसाइज है ये है फाइंड द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट। अब इनको डायरेक्ट स्केल से नापना है, डिवाइडर से इससे नहीं नापना, स्केल से नापना है। उससे क्या करना है कि यहाँ से वन पॉइंट है, यहाँ से रख के यहाँ तक नाप के, और इसका केवल लेंथ लिखनी है, जितनी भी लाइन्स है सबकी लेंथ लिखनी है। सेकेंड सम है, इसमें क्या है तीनों की लेंथ नापनी है, और फिर यदि वो इक्वल है तो लिख देना कि हाँ वो इक्वल है। उन्होंने पूछा है मेजर द लाइन सेगमेंट एंड वेरीफाई दैट द लाइन सेगमेंट आर इक्वल। पहले इन्हें नापो और फिर लिखो और फिर बताओ हाँ ये इक्वल हैं कि नहीं है। जो इक्वल है यस, इक्वल नहीं है वो नो। उसके बाद है थर्ड सम, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट गिवन बिलो। अब ये जो ए और बी दो पॉइंट हैं इनके बीच का हमें डिस्टेंस बताना है। उसी तरह से पी क्यू आर इनका डिस्टेंस बताना है, इसी तरह से बी सी ए बी सी डी का डिस्टेंस बताना। तो इसमें क्या ए बी का डिस्टेंस, बी सी का, सी डी का और डी ए का, इस तरह से सबके डिस्टेंस बताने। उसके बाद अगला जो सम है फोर्थ, फाइंड द लेंथ ऑफ ब्रोकन लाइंस। जो ये ब्रोकन लाइंस है इनकी लेंथ बतानी है, ये जो ब्रोकन लाइंस है ठीक है, इनकी लेंथ बतानी है कितनी है, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, ये होता है आपका स्केल। कोई भी किसी भी लाइन की जब हम लेंथ नापते हैं, अभी मेरे पास फ़िलहाल स्केल नहीं है तो इस स्केल से मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ से नहीं रखना आपको, यहाँ से नहीं रखना, जो ये जीरो है वाला डंडा है ना, यहाँ से लाइन को नापना शुरू करना। जैसे ये एक लाइन है तो ये जीरो से शुरू होगी, यहाँ से शुरू नहीं होगी, इस पॉइंट से शुरू नहीं होगी। देखो बच्चों ये पॉइंट से शुरू नहीं होगी, ये होगी यहाँ से शुरू, यहाँ से फिर नापना शुरू करेंगे 1 2 3 4 फोर सेंटीमीटर, ठीक है। कोई भी लाइन नापोगे आप यहाँ से नापोगे, स्केल में यहाँ से नहीं नापोगे, स्केल के शुरुआत से नहीं नापेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ही आप पूरा चैप्टर करोगे। उसके बाद है ये ड्रॉ द लाइन्स। तो मैंने आपको बता दिया एक स्केल लेना, ज़ीरो से लाइन खींचनी शुरू करनी है, तो 3.5 है जैसे, तो 3.5 तो 3 यहाँ तक हो गया। उसके बाद 0.5 में ये छोटे छोटे डंडे गिनेंगे, 5 डंडे काउंट करके 5 तक लाइन खींच देनी है। उसी तरह 4.8 तो पहले 4 तक खींचेंगे, फिर 8 छोटे छोटे डंडे काउंट करेंगे और 8 तक उसको लाइन को पूरा कर देंगे। तो इस तरह से 9th D में ये सारी लाइनें खींचनी है। तो इनकी आप प्रैक्टिस करोगे।